हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है प्रोपोर्शनल काउंटर, आयनाइजेशन चैम्बर और गैस फील्ड डिटेक्टर हमने डिस्कस किया था। तो प्रोपोर्शनल काउंटर और आयनाइजेशन चैम्बर की वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है। तो गैस फील्ड डिटेक्टर के अंदर जो है बेसिकली हमारे पास क्या था कि हमने एक सिलेंडर कंसिस्ट किया था कि जो काउंटर है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है जो ये फर्दर इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेगेटिव पोटेंशियल। इस सिलेंडर को हमने जो है नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है और ये जो है आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। और जो आपकी सेंट्रल वायर है, जो थिन वायर है, इसको हमने जो है फर्दर पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आपका किसका काम कर रहा है बच्चे? एनोड का काम कर रहा है। यहाँ पे हमने इंसुलेटर्स प्रोवाइड किए हैं ताकि जो हमारा सिलेंड्रिकल चैम्बर है और जो हमारी सेंट्रल वायर है वो एक दूसरे के जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ सके। उसके बाद यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे? कैपेसिटर है। और यहाँ पे भी हमने एक पैरेलल कैपेसिटर हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ से बच्चे आपको मैंने आपको बताया था कि हमने जो है आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारी आउटपुट पल्स आती है दैट विल डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, एक तो एक्सटर्नल वोल्टेज और एक इनिशियल आयनाइजिंग इवेंट, यानी कि जो हमने चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाया है इस चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर क्या फील्ड है बच्चे? गैस, कोई भी इनर्ट गैस फील्ड है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था तो उस केस में हम जो रीज़न आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, आज हम गीगर मूलर काउंटर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो है जो गीगर मूलर काउंटर है यानी कि जीएम काउंटर जिसको आप बोलते हो, तो जीएम काउंटर जो है बच्चा आपका जो है फिफ्थ रीज़न के अंदर जो है वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं गीगर मूलर रीज़न। तो इसमें क्या होता है, जब हम आउटपुट पल्स का वेरिएशन अप्लाइड वोल्टेज के साथ देखते हैं, जब हम अप्लाइड वोल्टेज को इस मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो आप देख रहे हो दिस इज़ योर ए कर्व, दिस इज़ योर बी कर्व, बी ए कर्व और बी कर्व आपकी बता रही है कि ए जो है दैट इज़ योर हाईएस्ट, जिसको आप कह सकते हैं जिसकी आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, और बी है जिसकी आयनाइजिंग पावर कम है, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल जिसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा और इस बी जिसकी आयनाइजिंग पावर कम है। तो यहाँ पे एक गीगर मूलर रीज़न के अंदर जो है ये जो है दोनों कर्व जो हैं वो एक ही हो जाती हैं, यानी कि जो हमारा जीएम रीज़न है दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द प्राइमरी आयनाइजेशन, ठीक है ना। तो जो गीगर मूलर रीज़न है वो प्राइमरी आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आपने कौन सा चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और उसके लिए जो आउटपुट पल्स आएगी, चाहे कोई सा भी हो जिसकी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो या किसी चार्ज पार्टिकल की आयनाइजिंग एनर्जी कम हो, सभी के लिए जो आउटपुट पल्स आएगी दैट इज़ ऑफ द सेम हाइट, ठीक है। तो जो भी पल्स आएगी दैट इज़ ऑफ द सेम हाइट। तो फिफ्थ रीज़न के अंदर हम क्या हो जाता है बच्चे, हमने जो है अप्लाइड वोल्टेज यानी कि ये जो वोल्टेज है इसको इस हद तक इंक्रीज़ कर दिया है कि गैस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गैस जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस रीज़न के अंदर क्या हो जाता है बच्चे, जो भी कोई सा भी आप चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवा दो आपको क्या मिलेगा? सेम हाइट की जो है आउटपुट पल्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है जो जीएम काउंटर जो है वो इसी रीज़न के अंदर काम करता है। तो हम इसके बारे में फर्दर आगे स्टडी कर लेते हैं क्या है। तो ये आपको जीएम रीज़न आपको अच्छे से पता चल गया कि जीएम रीज़न में क्या होता है बच्चे, कि जो भी हमें आउटपुट पल्स मिलेगी दैट इज़ ऑफ द सेम हाइट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी आयनाइजेशन, यानी कि जो हमने चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। और दिस काउंटर दिस रीज़न के लिए जो है ये रीज़न के लिए जो है हमारा जो काउंटर होता है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लो आयन। तो अब हम अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज़ जीएम काउंटर। तो हम जो है वोल्टेज को उस रीज़न के अंदर जो है हम सेट करते हैं, जो कि वोल्टेज जो है वो किससे ज़्यादा होगी? कुछ सर्टेन पॉइंट से, यानी कि प्रोपोर्शनल काउंटर से जो हम ज़्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस रीज़न के अंदर बच्चे प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या हो रहा था कि जो चार्ज कलेक्ट हो रहे थे और जो चार्ज डेवलप हो रहे थे वो दोनों क्या थे बच्चे? प्रोपोर्शनल थे, यानी कि जितने चार्ज कलेक्ट हो रहे थे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे और जितने चार्ज जो है क्रिएट हो रहे थे वो सारे के सारे क्या थे? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जिसको हम एम कहते हैं, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारी गैस की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और एकदम क्या हो जाता है बच्चे? डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि जो गैस है उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? गीगर मूलर ऑपरेशन। यानी कि जब गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको आप एम से रिप्रेजेंट करते हो इसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि जो हमारा गैस है उसके अंदर क्या हो जाएगा? बेसिकली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। गैस का क्या होना शुरू हो जाएगा? डिस्चार्ज। गैस का डिस्चार्ज का मतलब ये है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स जो है बहुत ज़्यादा क्या होने शुरू हो जाएंगे? प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका जीएम काउंटर, ठीक है ना। ये जो ऑपरेशन आपका क्या कहलाएगा? जीएम ऑपरेशन, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि
आगे क्या है बच्चे, इसमें क्या होता है, इस ऑपरेशन में क्या होता है कि एक सिंगल आयन पेयर जो है ना, मान लो आपने क्या किया, आपने काउंटर के अंदर जो है, मान लो अल्फा पार्टिकल आपने किसी काउंटर इस चैम्बर के अंदर आपने इंसर्ट किया, ठीक है। आप कोई भी सा भी चार्ज पार्टिकल ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया जीएम काउंटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, मान लो इसके अंदर आर्गन गैस है, तो इसने आर्गन के एटम्स को क्या कर दिया बच्चे, आयनाइज कर दिया, तो क्या बनाएगा, आर्गन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस इज योर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स ने फर्दर क्या किया बच्चे, इनके पास इतनी इनफ एनर्जी आ जाएगी कि ये क्या करेंगे बच्चे, इसको आप पी से रिप्रेजेंट कर लो, तो प्राइमरी है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, ये फर्दर जो है आर्गन एटम्स के साथ, जो न्यूट्रल आर्गन एटम्स हैं या आर्गन आयन्स हैं, आर्गन एटम्स हैं, उनके साथ कोलाइड करेगा जो न्यूट्रल हैं, ठीक है ना, और क्या बना लेगा, दोबारा से आर्गन पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये फर्दर आयन्स जो है फर्दर क्या करने शुरू हो जाएंगे बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर्स प्रोड्यूस करने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये पता लगा बच्चे कि एक आयन पेयर ने, यानी कि ये आर्गन ने और ये इलेक्ट्रॉन ने, एक आयन पेयर ने क्या कर दिया बच्चे, इसके अंदर इस तरह की रिएक्शन होनी शुरू हो गई कि इलेक्ट्रॉन आयन पेयर, एक आयन पेयर ने फर्दर क्या कर दिया, गैस के अंदर जितने भी उनके साथ कोलाइड करके फर्दर आयन पेयर्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। तो यही कह रखा है कि एक सिंगल आयन पेयर ने क्या किया, जब हम उसको इंसिडेंट करवाते हैं, उसने क्या कर दिया बच्चे, डिस्चार्ज कर दिया, जो भी हमने गैस लिया उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया, यानी कि उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है आयन पेयर्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। तो ये जो है ऑपरेशन, इस यानी कि गीगर मुलर ऑपरेशन के अंदर यही चीज़ होती है कि एक सिंगल आयन पेयर भी जो है पूरे गैस के जो भी हमारे जो भी चैम्बर में अगर गैस फिल्ड है उसका आयनाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये जो है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लो एनर्जी रेडिएशन, ठीक है ना, लो एनर्जी रेडिएशन के लिए बहुत सेंसिटिव है। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बता ही दिया बच्चे कि जो हमारे पास पल्स आती है दैट इज़ ऑफ द सेम हाइट, ठीक है ना। तो पल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी आयनाइजेशन, और हर एक चार्ज पार्टिकल आप कोई सा भी इंसिडेंट करवा दो काउंटर के ऊपर, तो सबके लिए जो हमें पल्स मिलेगी दैट इज़ ऑफ द सेम हाइट, ठीक है ना, सेम ही हाइट होगी सभी के लिए। और बच्चे अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको कहा कि आप जीएम काउंटर से क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अल्फा बीटा और गामा, नहीं, आप चार्ज पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि सभी की जो पल्स आ रही है दैट इज ऑफ द सेम हाइट, और ये जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि इनकी एनर्जी क्या है, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है बीटा से, और फिर देन गामा की सबसे कम है, तो अब ये आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, यानी कि ये जो पल्स हाइट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी आयनाइजेशन, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो सभी के लिए जो है आपकी जो पल्स हाइट होगी सेम होगी, चाहे एनर्जी जैसी भी हो, एनर्जी किसी की ज़्यादा हो और किसी चार्ज पार्टिकल की कम हो, सभी के लिए जो हमें सेम ही मिलेगी, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं बच्चे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही है कि जब हम चार्ज पार्टिकल को किसी गैस में से पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे वो फर्दर जो है बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होंगे, बहुत हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेट होंगे, और फर्दर क्या करेंगे बच्चे, आयनाइजेशन करेंगे। तो यहाँ मान लो आपने अल्फा पार्टिकल आपने चैम्बर में इंसर्ट करवाया, यानी कि इस गैस इसके अंदर हमने इंसर्ट करवाया, तो इसने क्या किया बच्चे, आयनाइजेशन की, आर्गन पॉजिटिव आर्गन एटम के साथ कोलाइड करके आर्गन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है, हाई एनर्जी, इतनी हाई पोटेंशियल, क्योंकि हम हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि फर्दर एक्सेलरेट करते हैं और फर्दर आयन पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ने फर्दर कितने सारे आयन पेयर्स प्रोड्यूस किए, फिर फर्दर उन्होंने आयन पेयर्स प्रोड्यूस किए, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे बच्चे, पॉजिटिव साइड के ऊपर जाके, यानी कि एनोड के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बच्चे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल आपका यही है कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है कि फर्दर बहुत सारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्दर जाके कहाँ पे एनोड की तरफ जाके कलेक्ट हो जाते हैं। तो अब मैं इसका डायग्राम आपको बताती हूँ बच्चे, हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या है, हमारे पास जो है यही एक सिलेंड्रिकल, हमारे पास जैसे प्रोपोर्शनल काउंटर था उसके अंदर हमने सिलेंड्रिकल ट्यूब ली थी, ऐसी बच्चे ये एक सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है उसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर से लेके, और इसकी जो लेंथ होती है सिलेंडर की दैट इज 2 से लेके 100 तक वेरी करती है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास
सिंपल आप ये याद रखो कि जो सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब हमने ली उसका डायमीटर कितना है बच्चे, 1.5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है लेटेस्ट 2 से लेके 100 तक वेरी कर सकती है, ठीक है। और इसका जो आउटर हिस्सा है यानी कि आउटर जो साइड है उसको आउटर एनवेलप, इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं बच्चे, नेगेटिव पोटेंशियल से। तो ये किसकी तरह काम करता है, आपका कैथोड की तरह काम करता है। और ये जो है पूरा ग्लास है, इसका इनर सर्फेस जो होता है ना बच्चे, ये जो इनर सर्फेस होता है ट्यूब का, इसको हम फर्दर जो है क्या कर देते हैं बच्चे, कोट कर देते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, ठीक है, ताकि ये किसकी तरह काम कर सके, कैथोड की तरह काम कर सके। तो ये जो ग्लास ट्यूब होती है उसका जो इनर सरफेस है उसको हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल से क्या कर देते हैं बच्चे, कोट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे कि आप स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, या फिर निकल से आप इसको कोट कर सकते हो, जिनका हाई वर्क फंक्शन होता है तो उनसे आप कोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, इस ट्यूब के अंदर जो है हम क्या करते हैं बच्चे, कोई भी इनर्ट गैस हम फिल करते हैं। सिर्फ इनर्ट गैस नहीं फिल करते, इनर्ट गैस जैसे आपने मान लो आपने आर्गन गैस फिल किया है, तो इस आर्गन गैस के अंदर बच्चे आप जो है कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट जैसे कि आप ले सकते हो इथाइल अल्कोहल, इनसे हम जो है बच्चे क्वेंचिंग करते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे क्वेंचिंग क्या होती है। तो जो हमने चैम्बर लिया है, जो चैम्बर हमने कंसीडर किया है, इसके अंदर क्या है बच्चे, मान लो नियोन गैस है या आर्गन गैस आपने ली, प्लस हम क्या करते हैं बच्चे, कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है उससे क्या कर देते हैं बच्चे, इसकी क्वेंचिंग कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इथाइल अल्कोहल आपने क्या कर दिया, ले लिया, यानी कि आप 10:1 रेशो में आप ले सकते हो, यानी कि 10 अगर आर्गन है तो 1 क्या है इसके अंदर, इथाइल अल्कोहल हमने मिक्स किया हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कह रखा है कि अगर आपने नियोन अगर आप यूज़ करते हो, नियोन गैस यूज़ करते हो, तो उसके अंदर जो है हम कुछ ट्रेसेस ऑफ हेलोजन हम डाल सकते हैं, ठीक है ना, हेलोजन हम इसके अंदर जो है इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये भी जो है मतलब ये क्वेंचिंग है डिफरेंट टाइप की, हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो हमारा जो ट्यूब है इट इज़ ऑफ ग्लास ट्यूब और इनर सर्फेस इज कोटेड विद सम कंडक्टिंग मटीरियल एंड जो चैम्बर है दैट इज़ फिल्ड विद सम इनर्ट गैसेस प्लस कुछ वॉलेटाइल कंपोनेंट जैसे इथाइल अल्कोहल। उसके बाद जो है सेंट्रल वायर दैट इज़ ऑफ टंगस्टन, ठीक है ना, टंगस्टन की हम जो है सेंट्रल वायर यूज़ करते हैं, और जो सेंट्रल वायर जो है वो टंगस्टन की है, दैट इज़ कनेक्टेड टू हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा बच्चे, एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो जो वायर है उसका जो डायमीटर है वो 0.1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। और इसका एक एंड जो है बच्चे वो तो यहाँ से कनेक्टेड होता है इसकी हाई टेंशन बैटरी से, और दूसरा एंड जो है बच्चे जो ओपन हैंड है इसको जो है हम क्या करते हैं, जो ओपन हैंड है इसमें हम जो है बच्चे ग्लास बीड लगा देते हैं ताकि जो है डिस्चार्ज ना हो, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है गैस मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कोरोना डिस्चार्ज होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है हम ग्लास बीड लगा के चलते हैं, ठीक है ना। तो कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चे, ये ग्लास बीड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो विंडो है जहाँ से हम चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करेंगे, वो जो विंडो है दैट इज़ माइका विंडो, ठीक है ना, माइका से मिलके बनी होती है, ठीक है ना, थिन माइका विंडो होती है। और यहाँ से बच्चे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं अल्फा और बीटा पार्टिकल, यानी कि जो हम इंसर्ट करवाएंगे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वर्किंग अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो वर्किंग में क्या है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज़ वेरी लार्ज, कि हमने यहाँ पे जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यानी कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एवलेंचे क्रिएट कर देते हैं, फर्दर जो है आयन पेयर्स बनाने शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे पास गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है जब बहुत ज़्यादा है, वो जो पल्स हमें मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, हमें गीगर डिस्चार्ज मैकेनिज्म के उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो पल्स होगी दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी आयनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया। तो हम जो है इनसे ये नहीं बता सकते कि अल्फ़ा बीटा गामा से हम ये नहीं बता सकते कि इनकी एनर्जी क्या है, ठीक है ना, कि आप कोई सा भी आप ये तो बता सकते हो कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये नहीं बता सकते कि अल्फ़ा बीटा गामा की एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते इस काउंटर को, यानी कि हम ये नहीं बता सकते किसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये बताएगा कि ये जो हमने रेडिएशन डाली है उसको काउंट कर लेगा कि कौन सी रेडिएशन है, पर ये उसको नहीं बता पाएगा कि एनर्जी नहीं बता पाएगा कि अल्फा बीटा गामा जो हमने चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करवाए कि इनकी क्या क्या एनर्जी है। तो एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम ये यूज़ नहीं करते, सिर्फ जो है ये रेडिएशन को ही काउंट करते हैं। और वोल्टेज पल्स जो है हमें कहाँ पे मिलेगी बच्चे, जो भी वोल्टेज पल्स होगी वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आके क्या होगा बच्चे, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, वोल्टेज पल्स मिलेगी, और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट्स तक ही लाई कर सकती है, ठीक है।
उसके बाद नो एम्पलीफिकेशन इज नीडेड फॉर ऑपरेटिंग द रिकॉर्डिंग यूनिट, ठीक है ना। फर्दर हमें इसमें जो है ये नहीं होता, जो पल्स हमारे पास आई है ऑफकोर्स वो 10 वोल्ट की है, वो बहुत बड़ी पल्स है, तो उसको हमें कोई एम्पलीफायर में से पास करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपको वर्किंग समझ में आई। वर्किंग में क्या था कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो फाइनल पल्स हमें मिलती है वो गीगर डिस्चार्ज के मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करती है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होती है प्राइमरी आयनाइजेशन के, और एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो एक कैथोड है, दिस इज़ योर एनोड, ठीक है ना, ये विंडो है। इस तरह से आप डायग्राम भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड फिगर में भी देखो बच्चे, यहाँ पे हमने ये क्या लगा रखी, ग्लास बीड लगा रखी है। तो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चे गीगर डिस्चार्ज होता गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या है गीगर डिस्चार्ज मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि गीगर डिस्चार्ज मैकेनिज्म क्या है। अब आपको पता है हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पता है दैट इज़ मैक्सिमम एट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ फिर आप कह सकते हो रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस है। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से बच्चे इसका मतलब ये है कि जब हम वायर के पास हैं, एनोड वायर के पास हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लाई करेगी बच्चे, आपकी एनोड वायर के ऊपर लाई करेगी, ठीक है ना। एनोड वायर के सर्फेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आपकी क्या लाई करेगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चे क्या होगा, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इस सरफेस पे, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है ना, दैट विल कोज, या फिर आप कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर जो है एवलेंच, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ये फर्दर जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और आयन पेयर्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो यानी कि सेकेंड एवलेंच जो है वो ट्रिगर कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इस एनोड वायर के पास वो सेकेंड एवलेंच जो है ट्रिगर कर सकता है, डिफरेंट पोजीशन किसी भी जीएम ट्यूब के अंदर किसी भी डिफरेंट पोजीशन पे जाके वो सेकंड एवलेंचे जो है वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया कि नियर वायर पे जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या कर सकता है, फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि आप कह सकते हो सेकंड एवलेंचे जो है वो ट्रिगर कर सकता है एट डिफरेंट पोजीशन विद इन द ट्यूब कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, आपका गीगर डिस्चार्ज। तो ये क्या कहलाता है बच्चे, आपका गीगर डिस्चार्ज। तो इसमें क्या होता है बच्चे, मान लो सेकेंड एवलेंचे हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन ने जो मान लो हमारे पास ये ट्यूब थी, ठीक है, तो ये ट्यूब थी, जस्ट ये ट्यूब आप याद रखो, ठीक है, ये विंडो है, ठीक है ना, ये कैथोड है आपका, ये एनोड है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन था हमारा, इसके पास हमने बहुत ज़्यादा हमने वोल्टेज दे रखी है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। इसने क्या करना है, यहाँ पे आर्गन गैस मान लो फील्ड है, ठीक है ना, आर्गन प्लस इथाइल अल्कोहल वाली हमने गैस ले रखी है, तो आर्गन गैस अगर फील्ड है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा बच्चे, आर्गन एटम्स के साथ कोलाइड करेगा, और आर्गन एटम्स के साथ कोलाइड करेगा तो इनको अपनी एनर्जी दे देगा, तो आर्गन एटम को क्या कर देगा बच्चे, एक्साइट कर देगा, ठीक है। तो आर्गन एटम को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, यानी कि जो आर्गन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चे, एक्साइट हो जाएंगे। और आप ये भी कह सकते हो आर्गन एटम क्या हो जाएगा बच्चे, एक्साइट हो जाएगा। तो जो एक्साइटेड एटम है व्हेन कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, ये जो एक्साइटेड एटम है जो फर्दर किस में आएगा बच्चे, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो है फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। तो ये क्या एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। तो ये जो फोटोन एमिट करेगा, ये फर्दर जो है बच्चे ये किसके साथ कोलाइड करेगा, ये जो फोटोन हमारे पास निकला है, अब ये जो फोटोन है ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ तो क्या करेगा, ये जो कैथोड है इसके अंदर जो हमने क्या किया था, कंडक्टिंग मेटल से हमने कोट किया था, यहाँ तो ये फोटोन क्या करेगा कि जो कंडक्टिंग मेटल है यानी कि कैथोड के साथ कोलाइड करके उसे एनर्जी दे देगा, ठीक है ना, और क्या करेगा, एनर्जी दे देगा कैथोड, जो कैथोड है कंडक्टिंग मेटल से मिलके बना हुआ, तो उसको एनर्जी दे देगा, तो क्या बनाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्दर क्या करेंगे बच्चे, फर्दर आर्गन एटम्स के साथ कोलाइड करके क्या करेंगे बच्चे, आयन पेयर्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे। या तो ये जो फोटोन निकला है ये क्या करेगा बच्चे, फर्दर ये जो आर्गन एटम पहले से ही प्रेजेंट थे हमारे पास, ये जो गैस प्रेजेंट थी उसके साथ दोबारा से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है बेसिकली हमारे पास, क्या हो रहा है बच्चे कि हुआ क्या था स्टार्टिंग में, कि एक हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ था, उसने क्या किया, फर्दर आर्गन एटम के साथ कोलाइड किया, और आर्गन एटम को क्या कर दिया बच्चे, एक्साइट कर दिया, और एक्साइटेड एटम जो है जब ग्राउंड स्टेट पे आया तो इसने क्या किया बच्चे, फोटोन एमिट किया।
तो जो फोटोन एमिट किए यानी कि जो रेडिएशन एमिट हुई हैं, तो वो रेडिएशन क्या करेंगी बच्चे, कैथोड के साथ रिएक्ट करेंगी। अगर कैथोड के साथ रिएक्ट करेंगी तो फिर से क्या बनाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या करेंगे, आर्गन एटम के साथ कोलाइड करके इलेक्ट्रोनाइन पेयर्स प्रोड्यूस करेंगे। या फिर क्या होगा बच्चे, ये फोटोन जो है आर्गन के साथ कोलाइड करके क्या बनाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स बनाएगा। तो यहाँ से बच्चे हमने ये देखा कि जैसे ही सेकंड एवलेंचर हुआ तो उस केस में हमारे पास जो फोटोन निकला, तो जब फोटोन ने क्या किया, जो मॉलिक्यूल्स थे गैस मॉलिक्यूल उनके साथ कोलाइड किया और उन्हें क्या किया, एक्साइट करा, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आए तो उन्होंने क्या किया, यूवी रीजन में जो है फोटोन्स एमिट करे, ठीक है ना। तो जो फोटोन्स थे उन्होंने फिर फर्दर क्या किया बच्चे, गीगर डिस्चार्ज किया, ठीक है ना। तो ये फोटोन्स हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गीगर डिस्चार्ज। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो फोटोन थे या तो क्या देंगे, अपनी एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स को देंगे, या किसको देंगे बच्चे, जो कैथोड है उसके सरफेस साथ कोलाइड करेंगे। अगर कैथोड के सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या करेंगे बच्चे, डिस्चार्ज क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फर्दर जो है डिस्चार्ज क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, एक चेन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, हर इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो प्राइमरी आयनाइजेशन से जो हर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो क्या करेगा बच्चे, वो जो है एन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मान लो पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट हर जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है ना, ईच सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, हर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, फोटोन्स प्रोड्यूस करेगा, मान लो उसकी क्या है, पी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो जो कंडीशन होनी चाहिए ना गीगर डिस्चार्ज के लिए, वो क्या होनी चाहिए बच्चे, एन पी, ठीक है ना। तो एनपी क्या डिटरमाइन करेगी, गीगर डिस्चार्ज की कंडीशन डिटरमाइन करेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, दीज फोटोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गीगर डिस्चार्ज, ठीक है ना। अगर एनपी हमारा लेस देन वन है, ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चे, कि जो हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर है ना उसकी तरह ही ये काम करेगा, ठीक है। ये सेम केस होगा, ठीक है ना। इस केस में जो है जैसे प्रोपोर्शनल काउंटर वर्क करता है वैसे ही ये काम करेगा। जब एन हमारा स्मॉल है द काउंटर गिव्स एनर्जी गिव एडिटिव गैस टू कीप पी लो। तो यहाँ पे ये क्या रखा है, जब एन स्मॉल है तो जो काउंटर होगा ना वो क्या करेगा, हमारा जो पी है उसको क्या रखेगा, लो करने की कोशिश करेगा। अगर एन पी ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो उस केस में हमें आपको बताया कि हर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होगा ना वो क्या करेगा बच्चे, बहुत सारे जो है आपके कह सकते हो एवलेंचे क्रिएट कर देगा, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स प्रोड्यूस कर देगा गैस के अंदर बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है ना। जैसे कह रखा है 1 माइक्रोसेकंड, बहुत ही कम टाइम के लिए जो है इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स जो है प्रोड्यूस कर देगा। और ये जो सेकेंडरी आयन्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो हमारी सेंट्रल वायर है क्योंकि दैट इज अ हाई पोटेंशियल, वहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो जो सेकेंडरी आयन्स जो होंगे ना बच्चे वो क्या करेंगे बच्चे, इस एनोड वायर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी आयन्स क्या हो जाएंगे बच्चे, इस एनोड वायर की तरफ जाके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी आयन्स कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे बच्चे, आपके एनोड वायर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ कलेक्ट हुए हुए हैं आपके, एनोड वायर की तरफ कलेक्ट हुए हैं। तो जब पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस जब सेंट्रल वायर पे बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उस केस में देखो बच्चे अब क्या होना शुरू हो गया, अब ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी आयन्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, जो सेकेंडरी आयन्स प्रोड्यूस हुए हैं ना वो भी जाके ना एनोड वायर की तरफ कलेक्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही कलेक्टेड थे एनोड वायर की तरफ, ठीक है, उन्होंने तो एक डेड शीट बना रखी है। तो यहाँ पे जाके जो है पॉजिटिव आयन्स यानी कि जो हमारे सेकेंडरी आयन्स है वो भी जाके जो है इसी एनोड वायर की तरफ जो है जाके क्या हो जाएंगे बच्चे, जब कलेक्ट हो जाएंगे तो उस केस में बच्चे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो पॉजिटिव आयन्स है वो क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे बच्चे, डिक्रीज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या रखा है, जब पॉजिटिव आयन्स जो एनोड वायर पे जब इंक्रीज हो जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंट्रल वायर पे वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, ड्यू टू स्पेस चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन्स। और इसकी वजह से अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेंट्रल वायर पे कम हो जाएगी तो जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ कोर्स वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए जो है एज सून एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज रीच्ड द गीगर डिस्चार्ज इज टर्मिनेटेड। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाता है बच्चे कि इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है बच्चे, गीगर डिस्चार्ज जो है ना वो क्या हो जाता है बच्चे, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे गीगर डिस्चार्ज क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना, खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, दस फॉर अ फिक्स्ड एनोड वोल्टेज द गीगर डिस्चार्ज, देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने वोल्टेज दी थी, मान लो जो हमने 1000 वोल्ट लगा रखी है, तो जो हमने वोल्टेज दी थी ना, तो गीगर डिस्चार्ज जो हुआ वो कैसे टर्मिनेट हुआ, जब एक जो है स्पेस चार्ज बन गया, किसके बीच, स्पेस चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयंस, एज सून एज द सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस आर प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ आयन पेयर्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो गया था ना, जब पॉजिटिव आयंस एनोड वायर की तरफ जाके कलेक्ट हो गए थे, तो उस पॉइंट पे जाके जो है हमारा गीगर डिस्चार्ज क्या हो गया था बच्चे, टर्मिनेट हो गया था, ठीक है।
तो यहाँ पे एक रीज़न और दे रखा है कि हमें जो है इस करके जो है फिक्स्ड हाइट पल्स हमें मिलती है, ठीक है ना, और ये प्राइमरी आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो पल्स हाइट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि जो हमने वोल्टेज दिया है दैट शुड बी अबव द थ्रेशोल्ड इनिशिएटिंग द गीगर डिस्चार्ज, यानी कि जो